निस्संदेह योग साधना के लाभ अद्भुत है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन यदि आप योगाभ्यास करने के साथ साथ आहार पर ध्यान नहीं देते हैं तो आपको योग का उतना लाभ नहीं होगा और हो सकता है कि कई बीमारियों से आप फिर भी ग्रसित होने लगे। ज़रा गौर कीजिए, हमारे को औषधियों या सर्जरी के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। ढेरों ढेर हम दवाइयां ले रहे हैं, उसकी मजबूरी नहीं है। हमारे परमपिता परमात्मा ने हमारी को इतनी बढ़िया वनस्पतियां, सब्जियां, फल, इतना कुछ दिया है, जड़ी बूटियां दी है। यदि आप उनका सेवन करें ध्यान से समझ के कि क्या चीज़ आपको कितनी लेनी है और दिन में कितने बार लेना है, तो मैं समझता हूं कि आप ढेर सारे रोगों से न केवल दूर रह सकते हैं बल्कि अपने जीवन को और लंबा कर सकते हैं और स्वस्थमय जीवन और मन को भी शांत कर सकते हैं, क्योंकि आहार और मन का बड़ा गहरा रिश्ता है। आपकी आर्टरीज को आपका सब्जियां और फल ही खोल सकते हैं। प्राणायाम तो लाभ करता ही है, योग के और साधन भी बहुत ही लाभ करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा अपने हर कार्यक्रम में कि आप कौन सा आहार लें जिससे कि आपको बिना दवाई अपने आप को जो है अपने रोगों से मुक्ति दिला सके। वजन कम करने की बात हो या बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करने की बात हो या कब्ज को दूर करने की बात हो, भुट्टा आपकी भरपूर मदद कर सकता है। इसे भून कर ले सकते हैं या स्टीम बॉयल करके भी ले सकते हैं। परंतु जिनके जोड़ों में तकलीफ रहती है यानी आर्थराइटिस है या इरिटेबल बावल सिंड्रोम है, ऐसे मरीजों को भुट्टा नहीं लेना चाहिए। माइग्रेन तथा एपिलेप्सी के मरीजों को भी भुट्टे से बचना चाहिए। डॉक्टरों, हकीमों, वैद्यों और योग चिकित्सकों से निराश बहन भाई योगी राज लालजी महाराज से मुफ्त परामर्श करें। योग दिव्य मंदिर, सेक्टर 6, आर के पुरम, नई दिल्ली।